गियर शिफ्ट करते हुए उस्ताद हैं, टापा चेंज कर देंगे। उसके बाद ऐसा हो जाएगा टापा। ये मैटिक गियर है तो उसका जो अपना गियर है टू व्हील आता है वो तकरीबन 1,80,000 के करीब है। तो हम इसको 4x4 जो गियर होता है फोर व्हील ड्राइव का, उस गियर को हम टू व्हील में कन्वर्ट कर रहे हैं, दो व्हीलों पर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका टापा और कुछ गिरारियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, तो वो चेंज करके वो पुरानी लगती हैं, है आपका गियर पूरा नया हो जाता है। और ये गियर जो है तकरीबन 1,00,000 तक आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है, कोई मशीन काम नहीं है। ठीक है, तो देखें ये उस्ताद जी इस टाइम इसकी गिरारियाँ चेंज कर रहे हैं, तो फिटिंग कर रहे हैं, तो टापा चेंज करेंगे। गियर तकरीबन जो गिरारियाँ सारी इसकी मतलब नई लगेंगी, एक जो टापा होता है ऊपर वाला वो पुराना लगता है, तो उस पर फिटिंग में इसके फ़र्क आता है, तो वही चीज़ है। तो ये तकरीबन मार्केट में आपको 1,00,000 तक आराम सुकून से मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी गाड़ी का गियर या आप तो हमसे रब्ता करें। और उसके बाद ऑटोमेटिक गियर का मसला ये होता है गाड़ी शिफ्टिंग छोड़ जाती है या लोग वक्त के साथ एल ना चेंज करें, जिस वजह से शिफ्टिंग का मसला आता है। तो आप 40,000 रुपये इसका लाजमी आयल चेंज कर लिया करें ट्रांसमिशन, और जब भी गाड़ी लें तो लाजमी आपको गियर आयल चेंज करना चाहिए। ठीक है, गियर आयल चेंज करना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं आप अक्सर लोग तो इंजन आयल भी चेंज नहीं करते, लेकिन गियर आयल इंजन आयल आपको चेक करना चाहिए, लाजमी पानी चेक करना चाहिए। ये तरीका है। ऑटोमेटिक गियर जो होता है वो देखें गिरारियाँ इसका देखते हैं, जब देखें उसका गिरारी निकाल रहे हैं इसकी, और जो इसका कन्वर्टर होता है अंदर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक वो किस्म। ठीक है, ये मैनुअल के मुताबिक नहीं होता, ऑटोमेटिक और हिसाब होता है। और इसके बाद देखें अभी टॉपिक फिट करेंगे, इसको फोन लगाएंगे और इसको फिर फिट करेंगे, फिर चेक करेंगे गाड़ी में। ठीक है, देखें अभी इसको साफ कर रहे हैं, ये साफ होगा तो ये फोन लगाएंगे इसके ऊपर, ये इसका पुराना टापा जो ऊपर वाला इसका पुराना लगेगा। ठीक है, ये आप देखते हैं वो साफ कर रहे हैं, उसके बाद इसको सिलिकॉन लगेंगी, सिलिकॉन लगा के इसको आराम से उनसे फिट कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन लगा रहे हैं इस टाइम इसको, तो ताकि अक्सर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ये लीक करती हैं, मतलब आप क्या है आयल लीक हो रहा है, तो वो आयल देखें इन टापों से इनसे आयल निकलता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से आयल इसका बाहर आता है, वो सेम आती है इसी पिच, तो अगर गाड़ी वाले कहें जी आयल लीक हो गया वो गए पिच होती है ब्रेक सी, उसमें देखिए सिलिकॉन भी लग रही है ना, सिलिकॉन अगर थोड़ी गलत लग जाए तो इसकी भी सीपेज आती है। ये छोड़ें जैनमन जो गाड़ियाँ आती हैं जो गाड़ियाँ इसकी भी सीपेज आ जाती है। तो उसके बाद जब भी गाड़ियों तो सीपेज ऐसी है कि आप अगर गाड़ी सर्विस कर लें करें, मतलब रोक के बाद महीने बाद सर्विस करा लें, सीपेज वो भी नज़र नहीं आती। ये देखिए अभी सारी सिलिकॉन लगाएंगे इसको सारी कमल टापिक और उसके बाद फिट करेंगे। ये करोला फिल्टर्स ग्रैंडी का वाइटर ट्रांसमिशन है, जो हम इसको 4x4 व्हील से 2 व्हील पे कन्वर्ट कर रहे हैं, टापा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट ऑफ 2 व्हील 4 व्हील एक्सचेंज पार्ट टू 4 व्हील टू 2 व्हील ड्राइव कन्वर्टर। हां, कन्वर्टर ओनली 1ZR गियर। सस्ता जुगाड़ लगाने के पाकिस्तानी माहिर 4 व्हील को 2 व्हील ड्राइव करने के लिए तैयार। सिलिकॉन वाला लगा, सिलिकॉन वाला बस यार के मंडा, के मंडा लगा जरूर पूछा बस ऐसे कम दोस्त आई दा लिखने के देर लगो। हां,
बल चांस रखो बल चबो तो टीम ने मिला भी पैसे दर को रवा लगा ना दाने भी दावी उस्ताद दा दावी जगह पर आती हां दा पर अवार्ड का जेनन वाले भी स्ट्रेस दा सिलिकॉन दिकम ग्रेन दा जी का ना दम की दा इंजन की रातल पहला का ना दा 625 रखे का ना दा रात सिर्फ ताजी दा एक्स इंजन दे 5 है दी इंजन फिटिंग पर बराबर आता मंदा कार को ना खबर दो किट सैंतीस रुपए किट हो जैन किट आगे किट कितना बता सिलिकॉन बाद के फार्मूला 2003 की दाम चार पटाखड़ा करना सात एकड़ा मार्केट के पहले सिलिकॉन दार आ ले 2004 उसको मना जने खड़े बनाया हुए दबाओगे दबाओगे तो लास रहता होगी उस्ताद लास पर रहता होगा दादी लिख के रोसा गया लगू हुआ पर क्या उस्ताद दादी उस्ताद टूल डकेगा बड़ा दमाद देना डेरा सख्त है क्या बल्ले जाओ अब प्राडो गेरे कड़े हो अगर जोर ने लिख दे उस दे में भी तो सफा के सिलिकॉन लाने में पुला को हम भूमि लेकर माल चलो फिर तक सा दे सेंटर जोड़ना अब 4x4 नहीं दे 4x4 सिल्म नहीं माल चुस्ता जी ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन लग चुकी है मुकम्मल अभी देखें टापा ग्रानियाँ फिट हो चुकी हैं और ये ओल्ड टापा ये हम इसके अंदर फिट कर रहे हैं ठीक है इस तरीके से हम इसको बिठा देंगे तो ये बैठ चुका है बाद इसके सारे काबिल लगेंगे और उसको फिट करेंगे ठीक है ये ऊपर वाले देखिए ऊपर वाला टापा देखें ये पुराना लग चुका है तो ये हमने इसका पुराना लगाया है मोबाइल गर्म करो फिटिंग टू काबिल देखें लगा रहे हैं फिट करते हैं और ये जो दूसरा गियर है पुराना ये वो जो वापस फिट कर रहे हैं हम जो गुब्बारी भी देंगे हम ये वो गियर है ठीक है इसकी भी वही हिसाब है वही फिटिंग है इस तरह उसकी आप देख सकते हैं जो पुराना गियर है ये आप देख सकते हैं गरारी लगा रहे हैं इसको तो ये इसके टोमेटो का सेक्शन के अंदर वाली गरारियाँ हैं जो आप कह सकते हैं दायरे भी कह सकते हैं और गरारी भी कह सकते हैं और हिस्सा भी कह सकते हैं जो इस जगह पे है देखें रात ही देखिए यहाँ पे इसका एक्सेल फिट होते हैं एक्सेल फिट होते हैं सब क्लियर हिस्सा होता है और ये इसके आखिरी बुलेट ऐड हो गए स्पीड के साथ
5 चार्ट कर रहे हैं। बस शुक्रिया मेहरबानी वीडियो देखने के लिए।